हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं तीन सिंह मरकाम और आप देख रहे हैं ईड्स छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग, महिला एवं बाल विकास विभाग बालोद और कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजनांदगांव, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जगदलपुर जिला बस्तर की ओर से न्यू नोटिफिकेशन जॉब का जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर 53 नए रिक्त पदों की भर्ती की जानी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बालोद का, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ जो नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, इसके अंतर्गत कुल 6 पदों की नियुक्ति की जानी है और इस पद के लिए विभिन्न जो पद हैं, इसका जो अंतिम जो है डेट है आवेदन करने का, वो है 13/3/2020 तक आप आवेदन कर सकते हैं। इस पद हेतु नियुक्ति के लिए न्यूनतम जो आयु है 21 वर्ष और अधिकतम जो आयु है वो है 45 वर्ष। इसके अलावा आप चाहें तो इनका जो विभागीय वेबसाइट है www.balod.gov.in पर भी जाके आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। पदनाम कुछ इस तरह से है, संरक्षण अधिकारी पद संख्या 1 है। संविदा जो वेतन है 21,000 प्रतिमाह। चयन प्रक्रिया संविदा के अनुसार, विविध सह परीक्षा अधिकारी 1 पद है और वेतनमान आप देख सकते हैं। आउटरीच वर्कर करके इसमें 3 पद है, अनारक्षित के लिए 2 हैं, महिला के लिए 1 है और पुरुष के लिए 1 है, ठीक है। और इस तरह से इनका आरक्षण भी दिया गया है 8,000 रुपये प्रतिमाह। उसके बाद सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर 1 पद के लिए 9,000 रुपये प्रतिमाह वेतनमान, ठीक है। मैंने आप लोगों को नोटिफिकेशन भी दिखा दिए हैं। उसके बाद दोस्तों, जो शैक्षणिक योग्यता है संरक्षण अधिकारी के लिए, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, समाज विज्ञान या समकक्ष सामाजिक विषयों में स्नातकोत्तर, कंप्यूटर पर MS ऑफिस वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्यरत होने में सक्षम होना चाहिए। इसी तरह से विधि सह परिवीक्षा अधिकारी के लिए भी है, विधि स्नातक बाल अधिकार एवं संरक्षण अथवा विधि स्नातक के समाज शास्त्र के द्वारा। इस तरह से जो शैक्षणिक योग्यता, अलग अलग पद का अलग अलग जो शैक्षणिक योग्यता है बताई गई हैं। सहायक सह कंप्यूटर के लिए 12वीं बोर्ड उत्तीर्ण, 10वीं बोर्ड उत्तीर्ण, डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। हिंदी में 8,000 का की डिप्रेशन प्रति घंटा इसका टाइपिंग स्पीड भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम आवेदन, बहुत ही आसान है, देख सकते हैं इस तरह से आवेदन का प्रारूप है। इसका लिंक मिलेगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप डाउनलोड कर लीजिए नोटिफिकेशन को और आप जो है डिटेल में पढ़ सकते हैं। आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम हिंदी में इस तरह से जो भी है आप पूरा भर दीजिएगा। दूरभाष नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी मांग रहे हैं, पत्र व्यवहार पता, सारे चीज़ को आपको भर देना है। परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष, प्राप्तांक श्रेणी जो भी है फॉर्म के साथ, 12वीं अनुसूची, स्नातक अनुसूची, स्नातकोत्तर, ठीक है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम का। उसके बाद विज्ञापन अनुसार निर्धारित है अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र भी है। इस तरह से सारे चीज़ को इंटर कर देंगे, घोषणा पत्र भर देंगे, आवेदक का हस्ताक्षर दे देंगे और उसके बाद आपको इस पत्र व्यवहार पता पर इसको बंद लिफाफे में पोस्ट कर देना है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बालोद छत्तीसगढ़ के इस एड्रेस पे आप लोग को जो डाकघर में पोस्ट कर देना है फॉर्म को बंद लिफाफे के साथ। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जगदलपुर जिला बस्तर की ओर से नोटिफिकेशन जो है जारी कर दी गई है। 29 विभिन्न पदों की नियुक्ति की जानी है, जिलेवार की प्राथमिकता होगी, जिला को प्राथमिकता दिया जाएगा। आयु जो है न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 70 वर्ष और इसका जो चयन प्रक्रिया है वो है वॉक इंटरव्यू और साथ में इसका आपको मतलब आवेदन शुल्क भी पे करना होगा। सारी चीज़ डिटेल मैं आगे आप लोगों को बता रहा हूँ वीडियो पर। विभागीय वेबसाइट www.bastar.gov.in पर भी आप लोग जाके जो डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जानकारी ले सकते हैं। तो पद नाम विवरण कुछ इस तरह से है, अटेंडेंस NCR का है 1 पद है, ठीक है। उसके बाद है ST के लिए 1 है, 12वीं पास होना चाहिए और 1 मुश्त वेतनमान जो है वो है 8,800 रुपये, ठीक। उसके बाद क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं इधर से। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर का है 1 पद के लिए है, ST के लिए है 1 पद, 12वीं पास विथ लेटेस्ट 1 ईयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद LDC करके है पद नाम और 12वीं पास होना चाहिए एंड 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग में 6,000 का उस डिप्रेशन गति होना चाहिए। और इन 3 पद के लिए जो इंटरव्यू होगा, याद रखिए 9/3/2020 को इंटरव्यू होगा। समय जो है 9:30 बजे से दोपहर का 12:30 बजे के बीच इसका इंटरव्यू होगा ऊपर का 3 पद के लिए। उसके बाद चौथा से फिर नीचे चलती हैं तो आयुष मेडिकल ऑफिसर है,
पद नाम है इस तरह से, और जो है कुल एक दो पद है। उसके बाद इधर है इनका शैक्षणिक योग्यता, उसके बाद डेंटल सर्जन का है शैक्षणिक योग्यता, आप लोग देख सकते हैं। वेतनमान है 25,000 दोनों का, और इनका दोस्तों जो वॉक इंटरव्यू होगा वो है 12/3/2020 को 9:30 बजे सुबह से 12:30 बजे तक के बीच भी। तो इस तरह से क्या है, अलग अलग पोस्ट का अलग अलग इंटरव्यू डेट है और टाइम है, तो आप लोग देख लीजिए। लिंक मिल गया वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, डाउनलोड कर लीजिए और पूरा डिटेल में इस्पिनान के साथ पढ़िए, या फिर ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आप जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद ANM है दो पद के लिए है, 12वीं पास ANM पास सब है इनका क्वालिफिकेशन, ठीक है। और इनका भी वही है 12/3/2020, एंड इसके बाद नीचे और है बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अलग अलग पद का अलग अलग जो है डेट है, क्वालिफिकेशन है, वेतनमान है और पद संख्या है, और आरक्षण भी साथ में दिया गया है। आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। यहाँ पर देखिए 16,500 या 16,500 से कम जो वेतनमान पद के लिए बस्तर जिले के निवासियों को प्रथम प्राथमिकता प्रदान किया जाएगा, यानी कि बस्तर के भाई लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनके पास एक मौका है, आप यहाँ पर आप जरूर से अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो है आवेदन शुल्क भी जो है पे करना रहेगा। इसके लिए आपको बैंक में जाके डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी बस्तर NONNRHM फंड के नाम से जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। इसके लिए क्या है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 100 रुपये है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये, और अनारक्षित वर्ग के लिए 300 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा, और डिमांड ड्राफ्ट का ओरिजिनल कॉपी जो है फॉर्म के साथ आपको सबमिट करना है। और उसके बाद आता है आवेदन पत्र, तो पंजीयन क्रमांक लिखना है ऊपर में, आवेदित पद का नाम, फिर कार्यक्रमा का नाम, ठीक है। उसके बाद अपना पासपोर्ट फोटो, आवेदक का नाम, पिता पति, ठीक है ना, जाति वर्ग है ना, जन्मतिथि सब कुछ लिख देंगे, पत्र व्यवहार पता, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी लिखना जरूरी है, लिख दीजिए, लिंग पुरुष महिला, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, शैक्षणिक योग्यता का विवरण, सारी चीज़ आपको फॉर्म भर देना है। इस तरह से कार्य अनुभव है तो कार्य अनुभव भी आप लोगों को डालना है। उसके बाद जो है बैंक ड्राफ्ट जो आपने बनाए हैं उसका डिटेल देना है, बैंक का नाम, ड्राफ्ट का क्रमांक, जारी दिनांक और राशि कितने रुपये का आपने ड्राफ्ट बनाया है, सारी चीज़ आपको इधर से भर देना है। घोषणा पत्र जो है उसको आपको भर देना है, संलग्न कर प्रमाण पत्रों की सूची भी आपको भर देना है, अपना दस्तखत कर देंगे और इसको आपको भेज देना है। स्पीड पोस्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बस्तर छत्तीसगढ़ के इस एड्रेस में जाकर आपको पोस्ट कर देना है। याद रखिए अपने क्वालिफिकेशन का छाया प्रति फॉर्म के साथ अटैचमेंट कीजिए, और जो DD बनाए हैं ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मूल कॉपी आपको फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। और उसके बाद कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की ओर से भी न्यू जॉब नोटिफिकेशन का जो है जारी कर दिया गया है। कुल 18 पदों रिक्त पदों की नियुक्ति करनी है, तो पोस्ट नाम कुछ इस तरह से है, आप लोग देख सकते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट है एक पोस्ट है, और उसके बाद सैलरी है 17,500 ऐसा कुछ है। एंड क्वालिफिकेशन बगल पर आप लोग देख सकते हैं, सर्जल स्पेशलिस्ट है, जर्नलिस्ट है, रेडियोलिस्ट है, इस तरह से बहुत सारे हैं। एंड उसके बाद इधर उनका क्वालिफिकेशन है, तो इसका जो है डाउनलोड लिंक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोगों को मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए और डिटेल में पढ़िए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.rajnandgaon.nic.in पर भी जाके इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो है अंतिम डेट नहीं है, वॉल्क इन इंटरव्यू के अंतर्गत नियुक्ति की जानी है, प्रत्येक सोमवार व बुधवार को कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 बजे से 5:30 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पुराना जिला अस्पताल गुरुद्वार के सामने जिला राजनांदगांव में किया जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, और लिंक है तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, पूरा डिटेल में आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। क्योंकि तो इसका आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस तरह से दिखाई देगा, तो इसके लिए फॉर्म आपको कैसे भरना है आप लोग तो जानती हैं, इतना मतलब बताने की ज़रूरत भी नहीं है। आवेदित पद का नाम हिंदी इंग्लिश कैपिटल, पिता पति के नाम, जन्मतिथि, ये सब चीज़ जो है आपको डाल देना है, वर्तमान पत्र व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर, दूरभाष नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़, शैक्षणिक योग्यता का विवरण इधर से नीचे लिख देंगे, आवेदक के हस्ताक्षर भी अपना हस्ताक्षर कर देंगे, सारा फॉर्म जो आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको इस एड्रेस पे जो पोस्ट है उसको आपको कर देना है, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के इस एड्रेस पे
पोस्ट ऑफिस पे स्पीड पोस्ट कर देना है। लिफाफे के अंदर ये सारे फॉर्म और जो है आप लोग का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है उसका जेरोक्स कॉपी आपको डाल देना है और आपको इस पते पर सेंड कर देना है। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। छत्तीसगढ़ का मोस्ट इंपोर्टेंट अप टू डेट जानकारी एंड न्यू जॉब नोटिफिकेशन हमेशा देखने के लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।